Hare Krishna and good morning dear students. Your today's class first subject is maths. आज की आपकी जो क्लास है उसका सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स. डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर 1414 को देखिए वर्कबुक में ऐसे ट्रेस करके बनाना सीखा था. अच्छे से आप लोग वर्कबुक में जब हम किसी भी नंबर या लेटर को या अक्षर को बनाते हैं तो आप एक बार लिखने के बाद उसको इरेजर से रब कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, उसके बाद दोबारा लिखिए ताकि वापस से जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा. आप वर्कबुक में तो हमने इसको बनाना सीख लिया, अब हम आज इसको कॉपी में बनाना सीखेंगे. ओके, ये देखिए ये आपकी मैथ्स की कॉपी है ब्लॉक्स वाली और ये नंबर 1414 इसको हमने वर्कबुक में बनाना सीखा था, हम इसको कॉपी में बनाएंगे. वन तो आपको बनाना आता ही है, वन और उसके बाद फोर भी आता है, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके सामने की तरफ एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन और यहां से इन बड़ी वाली जो स्टैंडिंग लाइन है उसको क्रॉस करते हुए स्लीपिंग लाइन, स्टैंड वन, फिर एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन और बड़ी स्टैंडिंग लाइन को क्रॉस करते हुए एक स्लीपिंग लाइन, वन फोर फोर्टीन. वन छोटी स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन सामने की तरफ एक बिग स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को ऐसे स्लीपिंग लाइन क्रॉस करती हुई स्लीपिंग लाइन, वन फोर फोर्टीन. वन फोर फोर्टीन, फोर को एक बार और देखिए, एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, उसके सामने की तरफ एक बिग स्टैंडिंग लाइन और बिग स्टैंडिंग लाइन को क्रॉस करते हुए एक स्लीपिंग लाइन, वन फोर फोर्टीन. ऐसे पहले वन बनाइए, फिर फोर बनाइए, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर बिग बड़ी स्टैंडिंग लाइन और बड़ी स्टैंडिंग लाइन को क्रॉस करते हुए एक स्लीपिंग लाइन, वन फोर फोर्टीन. वन फोर फोर्टीन, आपको ऐसे यहां से इसे क्रॉस करना है, यहां पर ऐसे यहां पर आके रोकना नहीं है, पेंसिल को थोड़ा आगे तक ले जाना है, स्टैंडिंग लाइन जो बनेगी उसको ऐसे क्रॉस कर देना है, उससे बाहर निकलना है. क्रॉस करना मतलब ये जो बिग स्टैंडिंग लाइन है यहां तक ले जाके ऐसे क्रॉस कर देना है, इसको इससे बाहर आगे की तरफ बढ़ना है आपको, वन फोर फोर्टीन. और आपको ऐसे ओरली बोलना भी है, वन फोर फोर्टीन, जिससे आप, मैं ये चीज बार बार इसलिए बोलती हूँ कि जब आप होल भर कर लिखते हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं. ओके बच्चों, नंबर 1414 बनाने के लिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा. आपको टू टाइम लिखना है, दो पेज पर लिखना है 1414. ओके बच्चों, थैंक यू.